जो सहयोग जो सद्भावना आप लोगों ने दिखाया जिसके वजह से आज अनुराम बरुआ ऑफ एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस संस्था का आज शिलान्यास संभव हुआ। देखिए हमारे भी यही मकसद है कि असम में बसे हुए 33 जिले का विकास हो, प्रगति हो और हर जिले में बसे हुए हर व्यक्ति को मौका मिले आगे बढ़ने का। तो इसलिए जब से हमने सत्ता का दायित्व संभालने का काम किया आज हमारी सरकार की उम्र 2 साल 9 महीना पूरा किया। इन दिनों में हम लोगों ने हर जिले पर बसे हुए लोगों से बातचीत किया और उनके प्रगति के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिस कार्यक्रम को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए और इनकी सही लागू करने के लिए हमने जनता का आशीर्वाद और सहयोग जब चाहा तो जनता ने बराक वैली में हो, ब्रह्मपुत्र वैली में हो, पहाड़ या मैदान में हो, हर जिले में बसे हुए सब लोगों ने इस बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार को मित्र जो सरकार को सहयोग किया। ये जनता की सहयोग के वजह से ही सरकार ने कम समय में ही काफी प्रगति हासिल किया है और असम की हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका दिया। जो नीति हमारे बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा हाथ में दिया सबका साथ सबका विकास उसी नीति का आधार अब सरकार को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया और खास करके मेरा ये सपना है कि पहाड़ी 3 जिले जो है कार्बियालंग हो पश्चिम कार्बियालंग हो या दिमा हसा कांग्रेस ने पिछले 7 साल सत्ता संभाला दिल्ली और दिसपुर में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो दोनों सरकार का सत्ता संभालने का काम कांग्रेस ने किया लेकिन उन लोगों का दिल में जनता के लिए सद्भावना नहीं थी इसके वजह से गरीब जनताओं के लिए हमारे गांव गरीब किसानों के लिए उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया जिसके जरिए गांव के बचे हुए हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मर्यादा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मौका मिला। इसलिए कांग्रेस जनता को आगे बढ़ाने के सिलसिले में सफलता प्राप्त नहीं किया। उन्होंने एक काम किया उन्होंने अपना पकेट गर्म किया जो जनता की हितों के लिए जो बजट में जो अलग अलग कार्यक्रम में पैसा रखा गया था और गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा लगाया था लेकिन सब पैसा कांग्रेस का नेता और उनके उपनेता ने उसको ले जाने का वजह से आज सारा हिंदुस्तान में जनता को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी का दायित्व उन्होंने निभाने के लिए जिम्मेदारी लिया 2014 में उसी समय से ही मोदी जी ने कम समय में ही 7 साल 9 महीना के अंदर जो परिवर्तन लाया और जनता के सामने जो सुशासन व्यवस्था उन्होंने खड़ा किया जिसके वजह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हर प्रदेश में बसे हुए हर व्यक्ति को आज इज्जत से जीने के लिए मौका मिला है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा मिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत किया है दिन रात मेहनत जो किया है एक दिन में 20 घंटा तक मेहनत करते करते
कांग्रेस ने घोटाला दुर्नीति भ्रष्टाचार के द्वारा शासन व्यवस्था को जैसे कमजोर किया था उसी शासन व्यवस्था को फिर से माननीय प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से निष्ठा से सुबह शाम मेहनत करते करते जनता को आस्था में लेते हुए जो परिवर्तन लाया इसके लिए आज हिंदुस्तान को सारा दुनिया इज्जत से पुकारने लगा है। किसके उसी दिशा पर असम भी चलने लगा है, अभी सारे उत्तर पूर्व के प्रदेश चलने लगा है। अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इसलिए हम भी चाहते हैं दिमा हसाओ के जिले भी हिंदुस्तान में नहीं सारा दुनिया में विश्व में एक मजबूत जिले बने। और इसके लिए यहां बसे हुए दिमाशा हो या कार्बी हो या हमारे गुरखा हो, बंगाली हो, बिहारी हो, जितने भी अलग अलग संप्रदाय के लोग दिमा हसाओ में बसे हुए हैं, सबका साथ एक सद्भावना और दुष्टियों का एक इंसानियों का भावना शक्ति जगा के उसको जागरूक करके हर व्यक्ति अपनी कर्मभूमि में अगर निष्ठा से मेहनत करे तो मैं ये मानता हूं कि दिमा हसाओ को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारे देवलाल गार्डन गार्डन शाह जी अपने सहयोगी के साथ जैसे ईमानदारी से काम किया है इसके लिए आप लोगों ने पिछले चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर अमित बार को भारी बहुमत में आपने जिताया है। इसके लिए मैं दिमा हसाओ के हर व्यक्तियों को प्रणाम देता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने फिर से देवलाल गार्डन गार्डन शाह को और उनके सहयोगों को सत्ता में लाया, इसलिए लाया कि ताकि दिमा हसाओ की प्रगति हो, विकास हो, हर परिवार को मौका मिले आगे बढ़ने का। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट एक महान व्यक्तियों का नाम से आज इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने का जो लक्ष्य हमने तय किया है असम सरकार की तरफ से, हमारा ही हिस्सा है। आप हर परिवार में जो हमारे विद्यार्थी है, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका दे ताकि इस इंस्टीट्यूट में अगर हमारा कल युवा विद्यार्थी यहां अपना व्यक्तित्व में जो भी उनके पास कौशल है उसके विकास के लिए उनको आधुनिक मौका मिले और जिसके द्वारा वो दुनिया का किसी भी इम्तिहान में हिम्मत से साहस से अपना शक्ति दिखाने का वो काबिल बने। तो इसे मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में ये इंस्टीट्यूट मामूली इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा, दुनिया की अलग अलग राष्ट्रों से भी विद्यार्थी आकर इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग व्यवस्था का लाभ उठाएगा ताकि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा लोगों का व्यक्तित्व निर्माण हो ताकि वो दुनिया को राज कर सके। उसी दिशा पर इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए हमने निर्णय किया है और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है इस इंस्टीट्यूट को हमने दिमा हसाओ में खड़ा करने का निर्णय किया। इसे आप भागीदारी है, आपका सहयोग के बिना ये इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सीएम देवलाल गार्डन साहब और उनके सहयोगी जितना भी एमएससी है सब मिलके हमारे पड़ोस में बसे हुए जनता के सहयोग के द्वारा इस इंस्टीट्यूट को कम समय में खड़ा करे, क्योंकि आपका सहयोग के बिना ये इंस्टीट्यूट खड़ा करना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से अगले दिनों में आपके लिए हमारी तरफ से जो भी जैसा भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए 750 करोड़ यहां खर्च किया जाएगा, 750 करोड़ का इंस्टीट्यूट है ये। और ये उमरांगसो जो झील है
ये झील दुनिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के लोगों का दृष्टि और उनकी निगाहें जमाने के लिए अगले दिनों में ये झील काम करेगा और हमारे टूरिज्म सेक्टर में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु बनेगा। और इससे देश विदेश से आए हुए टूरिस्ट का आप स्वागत करेंगे और यहाँ अलग अलग हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री बनेंगे और इसके द्वारा हमारे नई पीढ़ियों को इनकम करने के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं अगले दिनों में आप पढ़े लिखे में ज्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षा शिक्षा की क्षेत्र पर अगर हर माँ बाप उसको महत्व दे तो मुझे लगता है कि हर परिवार मजबूत होगा। शिक्षा के बिना आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते और ज्ञान के बिना व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए आप पढ़े लिखे में अपने बच्चों को हौसला बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए, सहयोग कीजिए। दिमा हासा में बसे हुए हर फैमिली में अगर इस विषय पर आप अनुभव आप दिखाएंगे तो मुझे लगता है ये दिमा हसाओ एक दिन हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण स्वराज बनेगा और इसी का द्वारा असम का भी सारा विश्व में अपना पहचान बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में आप उसी दिशा पर काम करते रहे, मिलजुल शांति व्यवस्था बनाए रखे। शांति के बिना प्रगति संभव नहीं है, इसलिए आप ऐसा शक्ति को कभी भी अब जगह मत दीजिए जो हमारे शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए साजिश में शामिल रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितना भी संप्रदाय के लोग हैं आप हमेशा मिलजुल के रहिए, शांति व्यवस्था आप उसको मजबूती से जिंदा रखिए ताकि हमारा किसान भाई हो, अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस में इन्वॉल्व जो भी व्यक्ति हो या हमारे विद्यार्थी हो, सबको काम करने के लिए एक माहौल मिले। और असम सरकार की तरफ से हमने जो अलग अलग स्कीम हाथ में लिया, देवलाल गार्चू जी ने अपने भाषण में उसको उल्लेख किया है। सहे हमारे जो भी 7 साल उम्र की पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन व्यवस्था अब हम लोगों ने अपनाया है। तो इसलिए आप दिमा हसा में बसे हुए जितना भी 7 साल उम्र का हमारे व्यक्ति है, पुरुष हो या महिला हो, सबको हमारे शशिद शहीद उहल कुंवर नाम से जो हमने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू किया है, इसके द्वारा आपको हर महीने में पेंशन मिलेगा, हर महीने में, और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैंने कुछ समय पहले हमारे सीएम से यही सवाल किया था कि दिमा हसाओ में कितने लोगों को, कितने फैमिली को अब तक बिजली का कनेक्शन मिला, तो उन्होंने कहा पहली बार के लिए 70% आज तक हमारे फैमिली को बिजली मिल चुका है और जो भी बाकी है 70% वो भी कम समय में पूरा किया जाएगा। और उजाला स्कीम के द्वारा जो सिलेंडर गैस मिलने का काम यहां शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का हो, असम सरकार का हो, बजट के द्वारा हम लोगों ने जो कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है, इसका लाभ आप सबको मिलेगा। इसलिए आप भी अनुभवी बने रहे और हमारे दफ्तर में आप भी संपर्क बनाए रखें ताकि सरकार की तरफ से जितना भी स्कीम साउंड का हो या विद्यार्थियों के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो या दिव्यांगों के लिए हो या बच्चों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, हर वर्गों के लिए जो भी स्कीम भारत सरकार असम सरकार ने अपनाया है, इस स्कीम का सही लागू दिमा हसाओ जिले में भी हो, इसका ख्याल रखना आपका भी जिम्मेदारी बनता है, आपका भी यह दायित्व बनता है। क्योंकि हर दफ्तर में क्या क्या सरकार की तरफ से स्कीम लागू होने जा रहा है, इसका खबर रखना आपका भी जिम्मेदारी बनता है। अगर आप इस विषय पर खबर नहीं रखेंगे
तो आपको सही सुविधा आप उठा नहीं सकते, लाभ नहीं उठा सकते अलग अलग कार्यक्रम से। इसलिए ही मेरा आप लोगों से दरखास्त है, आप सड़क पुल दिमा हसाओ में बनने लगा है और यहां अगले दिनों में कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा। देवोलाल कैंसर हॉस्पिटल में बनाने का हमने योजना रखा है, यानी कि दिमा हसाओ को सब व्यवस्था मिलेगा, जितना भी आधुनिक व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से अलग अलग प्रदेश में दिया गया है, खड़ा करने का निर्णय किया गया है, सब व्यवस्था का सुविधा आपको भी मिलेगा। अगले दिनों में हम और भी दौरा करेंगे। आज बोला है पहली बार के लिए नागालैंड बॉर्डर में कोई चीफ मिनिस्टर लैंडिंग किया है, पहली बार के लिए। स्वतंत्रता के पिछले 70 साल में किसी चीफ मिनिस्टर उसी बॉर्डर इलाका में दौरा नहीं किया। तो अगले दिनों में मेरा यही इच्छा है हर इलाका को दौरा करें, क्योंकि ये असम है, खूबसूरत एक प्रदेश है। भगवान कितना दयालु है, उन्होंने दिल खुल के हमें मदद किया है, इतना खूबसूरत झील दिया है। ये झील आपने इसका दृश्य जिन्होंने नहीं देखा वो अगर पहली बार देखे वो तो उनका दिमाग घूमने लगेगा, इतना खूबसूरत भगवान ने इतना खूबसूरत से आपका ये दिमा हसाओ जिला को सजाया है। तो इसका लाभ आप लोगों को उठाना पड़ेगा, भगवान ने ये मौका आप लोगों को दिया है आगे बढ़ने का। इसलिए इस झील को हम भी विश्व में एक बढ़िया खूबसूरत एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के हिसाब से खड़ा करने का हमने निर्णय किया है। आप देखते रहिए और असम इतना जोर से विकास की रास्ते पर चलने लगा है, अब पीछे देखने वाला कोई भी नहीं है। कांग्रेस हो बाकी विरोधी जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो थक गया है, वो थक गया है अभी। उनको जनता ने 55 साल मौका दिया है, लेकिन 55 साल के अंदर गरीब जनता के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, किसी वर्गों के लिए वो काम कर नहीं पाया। परंतु उन्होंने सरकार की जो पैसा उसको आपने खुद लूटा। पैसा हम जनता के पैसा लूटने लगे लूटने लगे लूटने लगे, इसलिए जनता को साफ मिला ऊपर। तो इसलिए भविष्य में और वो अपने आपको खड़ा नहीं कर सकते। जो ईमानदारी से काम करता है जनता हमेशा उनको पसंद करता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए हम भी ईमानदारी से काम करने का फैसला किया है। इसलिए पिछले 2 साल 9 महीना में हमने भी दुर्नीति के खिलाफ जो कदम उठाया है, इसके लिए आज असम के अंदर सुशासन व्यवस्था संभव हुआ है। और सुशासन व्यवस्था संभव हुआ है इसलिए आज दिमा हसाओ में एपीएससी एग्जाम में गरीब फैमिली का बच्चों को भी नियुक्ति मिला है, इंसाफ मिला है। इसलिए भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो ईमानदारी से निष्ठा से मेहनत करता है। तो उसी दिशा पर हमारा सरकार चल रहा है। केंद्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के आदर्श बड़े नेता, मेहनती, ईमानदार, साहस ऐसा नेता पहली बार के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आज हम लोगों को मिला है। इसलिए मुझे लगता है ये देश अब किसी भी हालत में देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं दिमा हसाओ के हर मेरी मां समान और पिता समान सब को मैं भक्ति भावनाओं से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आप ज्यादा बल दीजिए, उत्साहित कीजिए, उजागर कीजिए, हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकि दिमा हसाओ कल हिंदुस्तान को अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व देने में काबिल रहे, सफल रहे। यही है हमारी इच्छा शक्ति, यही है हमारा दिशा जिंदगी का। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम सबको मिलकर चलना होगा। इसी शब्दों के द्वारा फिर से मैं दिमा हसाओ
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हमारे लोकप्रिय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर देवूलाल गार्लूसा जी और हमारा विधायक हज्जर जी और बाकी जितना भी सहयोगी इलेक्टेड मेंबर एमएससी हो ईएम हो सब लोगों के लिए आपके आशीर्वाद बने रहे और आप हमेशा उनको सही काम के लिए आप उत्साहित कीजिए सलाम मशवरा उनको देते रहिए ताकि अगले दिनों में दिमा हसाओ प्रगति की रास्ते पर जोर से चलने लगे। इसी शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए निशी कृप ने हम्बा रिंगबा बहु थाए माए मैनी खैन छो लादो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।